पानीपत के एक होटल में करनाल के सांसद अश्विनी कुमार चोपड़ा ने देर रात पानीपत के व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं को जल्द समाधान करने का वायदा करते हुए कहा कि समस्याएं चाहे प्रदेश या केंद्र सरकार जिससे भी संबंधित हों सभी का समाधान करवाएंगे। इस अवसर पर सांसद अश्विनी चोपड़ा ने सांसद को मिलने वाली 25 करोड़ रुपए की ग्रांट को कम बताते हुए कहा कि वे अब तक अपनी लोकसभा के 700 गांव में से लगभग 350 गांव का दौरा कर चुके हैं। उन्हें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बराबर ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये ग्रांट पर्याप्त नहीं है। 600-700 गाँव है, उनमें से 300-350 तो हम कर रहे हैं, बाकी जो 300 बचे हैं वो अब उनके सरपंच बार बार मेरे को बुलाते हैं, आइए आइए। तो उससे ये होता है कि अगर उनको इनकी मैं गांव में नहीं गया और इनकी मैंने मदद नहीं, जो भी इनको छोटी मोटी जरूरत है तो नहीं पूरी की, तो नाराज हो जाएंगे। तो इनको भी राज़ी रखना है और शहर के लोगों को भी राज़ी रखना है। इतने के पैसे हैं कि मैं दोनों का ख्याल थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ की जो हैं सेंटर से 25 करोड़ से, और इन 25 करोड़ में आप भी देखिए, आप जाकर के किसी को कहते हैं कि हम तुम्हें देते हैं जी दो क्या बनेगा हमारा, तो फिर उनको ज़्यादा देना पड़ता है। जब ज़्यादा देना पड़ता है तो फिर हमारा वो लेवल कम होता चला जाता है। ये बात हाईलाइट कर हैं, उनका वास्ता जो है वो आपके MLA से है, आपके अपने अध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं, इनसे बात करने की बात है। तो मेरा रोल तो इसमें यही है, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, यही कर सकता हूँ कि मैं यहाँ का क्योंकि MP हूँ और इन्होंने मेरे सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखी हैं, तो मैंने इनको कहा कि आप मुझे लिख के दीजिए, मैं प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और मुख्यमंत्री तक सबको भेजूंगा कि मैं वहाँ गया था और मैंने उनकी ये प्रॉब्लम देखी है, कृपया करके आप इसके ऊपर। मैं जोश में था कि मैं ऐसे है, हमारी बाजू फड़कते हैं जब हमारे जवान मरते हैं, तो मैं जोश में था कि हमें चाहिए था कि हमें उसी वक्त उनको जवाब देते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त तो थोड़ी सी अभी थोड़े बच्चे हैं ना, थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, हमें सोच समझ के ही सारे इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य को अपने समक्ष रखते हुए, अपने पड़ोसियों को अपने साथ परिप्रेक्ष्य में रखते हुए